असम व्यूअर्स आप देख रहे हैं कलम कैमरा मैं हूं यशविन जमाल आ, कुछ बात करते हैं आज फिर से इंडिया और चाइना की जो सिचुएशन है उस पर क्योंकि पाक चीन आ, इंडिया चीन तनाजा जो है वो एक मरतबा फिर से इतलात है कि गर्म हो गया है आ, और बॉर्डर पर जो सिचुएशन है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त सिचुएशन है चाइना और इंडिया के दरमियान वो फिर से आ, कुछ सेंसिटिव है एज बी स्पीक अभी रिसेंटली एक झड़प फिर से रिपोर्ट हुई है और इस झड़प में और छः माह पहले झड़प हुई थी जो बैकग्राउंड है इस टेंशन का इस कॉन्फ्लिक्ट का जो लद्दाख में होने वाली झड़प थी इन दोनों ममालिक के दरमियान जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि कम से कम भी 20 भारतीय फौजी जो है वो उसमें हलाक हुए हैं कुछ इसी तरह की रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं एग्जैक्ट नंबर तो कहीं पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा लेकिन खबरें यही हैं कि भारत का ज्यादा नुकसान जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो अभी रिसेंटली हुआ है इसमें रिपोर्ट किया गया है ये एक इलाका है नेपाल और चीन के शुमाली इलाके की तरफ सुकम इस इलाके का नाम है और सुकम इलाके का नाकोला सेक्टर है जहां पर यह झड़प हुई है ये मुतनाजा इलाका है यहां पर वही लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल वाले सारे मामला हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो के चल रहे होते हैं और इस झड़प के ऊपर दोनों मुमालिक के जो रिएक्शंस हैं वो बड़े डिफरेंट आए हैं चीन का वर्जन यह है कि इन एरियाज के अंदर जो रूटीन की एक झड़प होती रहती है जैसे हम पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो

नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है और जो क्लेम है वो ये है कि चाइनीज जो वहां पर फौजी थे उन्होंने जो मुतनाजा इलाका है जो सरहद है उसको पार करने की कोशिश की और भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश की है नाव जिस किस्म की अः मैंने कहा कि रिएक्शन आ रहा है इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वो भी कुछ इंडिकेट करता है इस बात को कि भारत का इस सारी एपिसोड के अंदर नुकसान शायद ज्यादा हुआ है कि इस तरह से भारत तिलमिला रहा है और अभी भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इंटरनेशनल uh, uh, जरीदे अगर उनकी बार, बारे में बात करूं जो रिपोर्टिंग वहां पर हो रही है तो अगर उसके हवाले से बात करें तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद शायद बढ़ सकता है सो लेट्स सी कि सिचुएशन जो डेवलप हुई है ये कहां पर जाती है और इस वक्त जो मामला है वो क्या है क्योंकि लाइका इस सेट के uh, जो क्लेम्स हैं दोनों की तरफ से uh, वो डिफरेंट है अच्छा जब हम बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट uh, की इस कॉन्फ्लिक्ट के परस्पेक्टिव के अंदर भी अगर हम बात करें तो भी आ, भा, भारत जो है वो increasingly, आ, एक प्रेशर है एक दबाव है जिसमें आता जा रहा है इंक्रीजिंगली uh, भारत इसको लेकर ऐसा लगता है कि तिल मिला रहा है uh, परेशानी का शिकार होता चला जा रहा है और मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें ये जो पूरा एक uh, Uh, इस की इस रीजन रीजन की की पर्सपेक्टिव सिचुएशन की जो एक पर्सपेक्टिव है विजी इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना वो मैंने आपके सामने रखा था उसी पर्सपेक्टिव में फिर से बात करी हूं कि भारत ने अपने लिए खुद से जो फ्रंट्स खोले हुए हैं क्योंकि भारत जो है वो रीजनल पीस और सिक्योरिटी को अहमियत नहीं देता हम जब भी बात करते हैं इस बारे में तो वे वेरी क्लियर ऑन दैट कि जो भी मुल्क आगे बढ़ के भारत के साथ बेहतरी की बात करने की कोशिश करता है भारत अपने कुछ ऐसे मकासद है जिनके फरोग के लिए कभी भी अमन की तरफ नहीं जाता और अभी भी इसी तरह की सिचुएशन जो है वो हम देख रहे हैं कि है और भारत के लिए जहाँ पर एक फ्रंट चाइना का यहाँ पर खुला हुआ है वहीं पर दूसरा फ्रंट मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो पाकिस्तान का है पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई स्ट्रेंथ है मिलिट्री uh, स्ट्रेंथ है uh, जो बढ़ती हुई कुवत uh, है एक तो वो बाई से परेशानी है uh, वहां पर uh, खास तौर पर जो इस वक्त माइंड सेट uh, वहां पर एग्जिस्ट करता है जो आरएसएस ड्रिवन पॉलिसीज हैं भारत के अंदर और जिस तरीके से वो बिल्कुल भी किसी किस्म की अमन की बात पाकिस्तान के साथ करना गवारा नहीं करते उस परस्पेक्टिव में अगर देखा जाए और बात की जाए तो पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिलिट्री अस्करी कुत जो है वो उनके लिए बहुत परेशानी का 22 है फिर उसके साथ साथ यह कि पाकिस्तान फौज जो है वैसे भी दुनिया के बेहतरीन फौजों में शुमार होता है पाकिस्तानी फौज का लेकिन जो रैंकिंग्स हैं वो हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली हमारी जो फौज है उसकी इम्प्रूव कर रही है बेहतरी की तरफ जा रही है तो हमारे लिए जितना वो बाइस फखर बात है और जितनी हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है हमें उससे स्ट्रेंथ मिलती है भारत के लिए उतनी ही बात जो है वो परेशानी की है और मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को लेकर अब परेशान हो भी रही है उसका वो प्रेशर फील करने लग गए हैं और फिर जहां पर ये सारा कुछ हो रहा है वहीं पर साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि भारत की अपने जो इंक्रीजिंग फेलियर्स है चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हो मैं बार बार इस बात का कर जिक्र करती हूँ कि इस पेंडेमिक ने कोविड ने पूरी दुनिया को हिलाया है डिस्टर्ब किया है लेकिन भारत जो है वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ है इस पेंडेमिक के साथ कोप अप करने के लिए तो एक तो वो वाला फ्रंट है फिर दूसरा ये चाइना वाला फ्रंट फ्रंट जो कि हम तफसी बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं ये भी वो फ्रंट है जो कि मोदी ने अपनी हर धर्मी से खुदखोल रखा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान वाला फ्रंट इस फ्रंट को भी वो बंद नहीं करना चाहते बहुत सारे मामलात हैं जिनको अगर सही तरीके से ये दोनों ममालिकस में रिजोल्व कर ले अगर भारत का रिजोल्व हो Uh, तो uh, ये मिसाइल हल हो सकते हैं लेकिन वो वो भी करने को तैयार नहीं है और फिर uh, हर दूसरे दिन खबर आती है कि एक और नाकाम मिसाइल तजर्बा जो है वो भारत की जानब से किया गया तो वो भी मेरा ख्याल है भारत की फ्रस्ट्रेशन जो है उससे बढ़ रही है उसके अंदर ऐड करता है और ये जब हम बात करते हैं कि भारत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है तो अनफॉर्चुनेटली Uh, इस रीजन के परस्पेक्टिव में अगर बात करें तो ये कोई uh, ये एक बड़ी नेगेटिव बात है क्योंकि जैसे जैसे उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है मैं समझती हूँ कि उनकी सोचने समझने की सिलाहियत भी माऊफ होती चली जा रही है और उस रीजन को कैसे लेकर आगे चलना है ये समझने से पहले भी कासर से मजीद कासर होते चले जा रहे हैं तो ये किस तरीके से सूरत हाल जो है वो सिंटेगी मामला आगे बढ़ेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लेकिन जब हम बात करते हैं ये जो ये जो सारा सिनारियों है चाइना के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी दोबारा से बिल्ड इसलिए किया आपके साथ के आपने भी देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में मैड इंडिया जिसके अंदर अजित दबुल मोदी इनका जो एक नेक्सस है उसको सामने रख के ये ट्रेंड जो है उसको चलाया जा रहा है और ये जो मैडनेस है ना Uh, हम तो वो इंडिया किसी और में है लेकिन ये जो एक जो एक जनरल मैडनेस है जुनून सवार है वहां पर मौजूद इंतजामिया के के सर ऊपर उसकी मैंने पहले एक तो बहुत सारे रीजंस आपको बताएंगे उसके साथ साथ ऑब्वियसली एडिशनल रीजंस भी हैं जैसे जैसे आ, फरवरी का महीना करीब आ रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो एक नाकाम ऑपरेशन और वो जो पूरा आ, पाकिस्तानी चाय का मामला वो सारा फिर से रिफ्रेश होता जा रहा है उनकी मेमोरी के अंदर फिर कुलभूषण एक बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड के, एक standing, एक बतौर सबूत है, uh, के uh, इंडिया जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरिज्म में मुलवस है पाकिस्तान के साथ तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी सुखी हो रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी कुछ चीजें हैं जिनका जवाब नहीं है चाइना uh, के साथ जो मामला है वो भी खराब होता जा रहा है तो इस सारे स्ट्रेस के अंदर हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चूनेटली फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है अगेन ये जो चाइना के साथ एपिसोड हुई फिर ऐसी एपिसोड्स हम देखते हैं कि वो ज्यादा होना शुरू होती हैं और जो सबसे ज्यादा सीरियस और बुरा इसका फॉलआउट है वो फॉलआउट यही है कि कश्मीर के अंदर जो मामला होता है वो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक संगिनी आ जाती है पिरेट गन्स का इस्तेमाल वहां पर लोगों के साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है वो जो कश्मीर एक बहुत बड़े लॉकडाउन के अंदर है लॉन्ग बिफोर ये दुनिया पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में गई और और वो वो lockdown, वो लॉकडाउन सिचुएशन आज भी वैसी संभलने की तरफ जाने जाती हुई नजर भी नहीं आती तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के जस्ट uh, बिकॉज uh, भारत के अपने अंदर बहुत सारी चीजों की वजह से मोरल डाउन है ये सारे फैक्टर्स एक रोल प्ले करते हैं भारतीय फौजियों के अंदर खुदकुशियां उसका रेट बढ़ता जा रहा है उनके अपने थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि फौजियों का डाउन है आ, उसका असर दुनिया पर हो पाकिस्तान पर हो कश्मीर पर ऑलरेडी हो रहा है मजीद हो दुनिया को जो है है वो मेरे ख्याल स्टेप इन करने की जरूरत खास तौर पे कश्मीर के इशू को रिजोल्व करवाने के लिए और ये जो चाइना वाला मामला है लेट्सी ये कहाँ पर जाता है मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पर एक सीरियस बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिवेलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो इस तरह की झड़पें हैं जो भी मैंने आपके साथ शेयर की ये सिर्फ एक एक कदम उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इस सूरत हाल को आगे लेके जा रही है पीछे नहीं लेकर आ रही है सो लेट्स सी रीजन में इस ये 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 सूरत हाल चीजें जो कैसे प्ले आउट होंगी आज की इस वीडियो से बस यही कुछ मुझे इजाजत दीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज